सर जैसा कि आपने कल रात में बोला था कि कल हम लास्ट एकदम लड़ाई लड़ेंगे, और कल क्या सर आज लग रहा है कि सीएसबीसी बात मान लेगा? निश्चित निश्चित निश्चित, अगर नहीं मानेगा तो आमरण अनशन करेंगे, लेकिन बात मांग पाएंगे। रहमान सर रात में सर आप ही ने बोले थे सर कि कल जो भी हो जाए हम मैदान नहीं छोड़ के जाएंगे, रात में हम सुने थे। बिल्कुल, कल मैं मुझे खान लेके चला गया था, कल मैं 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक था, लेकिन मजिस्ट्रेट खान है वो लेकर चले गए थे, और दूसरा लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज परमिशन के बाद है, परमिशन के बाद है, इसलिए मैं रहूंगा। जब तक नहीं, जब मांग पूरी होती है तब तक मैं रहूंगा। NCLW का प्रॉब्लम सर, आज आप लोग अभी सर गए ऑफिस, तो क्या सर खुशखबरी बच्चे के लिए लग रहा है कि मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को सारे बच्चों का लेटेस्ट NCLEWS लेना पड़ेगा। सर इन लड़कियों को क्या कहिएगा सर, एक जवाब सर, क्योंकि लड़के से ज्यादा उपस्थिति लड़की का है सर। लड़की नीतीश बाबू कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान में आएगा कि बेटियां इतनी सशक्त है, उनकी मांग पूरी हो। आज खुशखबरी मिलने वाली है सर, शाम तक लग रहा है, एकदम बड़ा अपडेट है। रहमान सर ने बहुत बड़ी बात बोली कि आज शाम तक NCLEWS का मुद्दा सुधरेगा। अभी जस्ट नवीन सर से भी बात करने वाले हैं। सर क्या लग रहा है आपको, आज NCLEWS का मुद्दा सुधरेगा क्या, शाम तक हो जाएगा सर, खुशखबरी बच्चे को मिलेगी? इसी आशा और विश्वास के साथ पिछले 3 दिन से बच्चे जद्दोजहद कर रहे हैं, और हम लोग इसी सपोर्ट के साथ, चूंकि कोई भी शिक्षक है जो इन बच्चों को पढ़ाए हुए रहते हैं, अगर बुरे वक्त में, अभी इन बच्चों का बुरा ही वक्त आप समझिए, बुरे वक्त में शिक्षक अगर इनके साथ आते हैं तो कितना हौसला अफजाई इन बच्चों का होता है, कितना जोश खरोश बढ़ता है, तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं इन बच्चों को, भूखे प्यासे सुबह से लेकर अब शाम ढलने को चला है, ये बच्चे अभी बैठे हुए हैं। तो हमारा तो बिल्कुल भी माननीय चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट होगा कि किसी भी सूरत में इन बच्चों की वाजिब मांग को माना जाए, और इन बच्चों को तत्काल यहां से मुक्त किया जाए, इनकी मांग को मान करके इन बच्चों को फील्ड जाने दीजिए, क्योंकि 9 तारीख से इनका फिजिकल होना है। पता चलेगा कि ये बच्चे इधर के ना रहे ना उधर के रहे। सर ये सच्चाई बात है सर, 3 दिन हो गया सर, 3 दिन से लगातार इन लोग आंदोलन में लगातार जुड़े हुए हैं सर, सुबह से शाम भूखे हैं सर, कितने बच्चे जो बहुत दूर से आए हैं सर, क्या लग रहा है जल्दी से जल्दी आज हो जाएगा काम सर इन लोगों का, NCLEWS का? ये तो माननीय चेयरमैन सर को निर्णय लेना है कि जल्दी से जल्दी होगा या हम लोग यूं ही लगातार बैठे रहे। तो आप धरना पे शाम तक भी रहिएगा? बैठे हुए हैं, लगातार हम बने हुए रहेंगे इन बच्चों के साथ। साफ नवीन सर ने क्लियर बोला है कि एकदम शाम तक बने हुए रहेंगे, और खुशखबरी भी बहुत ही जल्द मिलने वाली है आप लोगों को NCLEWS के लिए, क्योंकि गुरु जी दरोगा गुरु रहमान सर हमारे पास उपस्थित है, और इनका भी साफ कहना है कि शाम तक खुशखबरी मिल जाएगी सर, एकदम मिलेगा सर। निश्चित, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए, इंसाफ उनको देना होगा। सर एक बात हमसे सर कि लड़की से ज्यादा संख्या लड़कियां की है, और इनको तो हम झांसी की रानी कहेंगे सर, क्योंकि इतना लोग से भी ज्यादा लड़कियां का बहुत सपोर्ट है सर, यहाँ पर देख सकते हैं NCLEWS के लिए इन लोग हट नहीं रहे सर, एकदम डटे हुए कह रहे कि आज वर्दी पहनी कर जाए ना। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपने बहुत कुछ किया है, और पूरे बिहार की महिला सब दिन इस चीज को लेकर ऋणी रहेंगे, लेकिन इन बच्चों को, इन महिलाओं को, इन बेटियों का आप मर्म समझिए। जब इतना कुछ आप कर रहे हैं तो एक छोटा सा मुद्दा है NCLEWS का, जो कि इन छात्रों का, इन छात्राओं का वाजिब मांग है, तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दीजिए, और इन बेटियों की मांग को आप मानिए जो कि जायज मांग है। सुबह से लेकर कभी भूखे प्यासे यहाँ बैठी हुई है, और कहा जाता है कि एक बेटी अगर शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज शिक्षित होता है, और इतनी जद्दोजहद करके, एक तो बेटियों को बहुत कम बाहर निकलने का मौका मिलता है, अब इतनी जद्दोजहद करके जब यहाँ तक पहुँची है, थोड़ा सा अगर आपका मदद मिल जाता, माननीय चेयरमैन से भी मेरा रिक्वेस्ट है, तो इन बेटी, ये बेटी कितनी बेटियों को आगे बढ़ा सकती थी, इसलिए करके इन चीज़ों को समझना ही होगा सरकार। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा साफ नवीन सर, और फिर सर ने वो रहमान सर ने क्लियर बोल दिया कि आज आपको इंसाफ मिलेगा NCLEWS के लिए। कुछ बच्चे से और हम अभी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ, CSBC ने क्या किया, ठीक है ना। अभी जस्ट कुछ बच्चे से और बात करते हैं, लड़के से बात करने का प्रयास करते हैं। सर आप लोग बताइए क्या लग रहा है आज खुशखबरी मिलने वाला है? खुशखबरी तो CSBC ही दे सकती है। CSBC तो अभी तक गुड न्यूज मिलने को आ रहा है कि बहुत बड़ा मतलब अपडेट आने वाला है शाम तक। आने वाला तो बहुत, मतलब आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी, हम लोग की आस जरूर लाएगी। अभी और कुछ बच्चे से बात करते हैं, जो कि लगातार यहीं पर जुड़े हुए हैं, और अमित सर भी यहाँ पर है, और कुछ बच्चे से भी बात करते हैं कि देखिए ये बच्चे कुछ सो पड़े हैं, कुछ लड़के जो कि सुबह से शाम 2 दिन से लगातार जुड़े हुए हैं और थके हुए हैं, ठीक है ना। क्या बोलिए, इनकी मेहनत को सलाम करते हैं, और इन लोग लगातार डटे हुए, जो बच्चे नहीं आए उनको भी धन्यवाद। सर क्या लग रहा है कि आज हो जाएगा मामला सॉर्ट आउट? पता नहीं, नहीं पता आपको? नहीं नहीं पता है तो हमें तो पता है। चलिए आपको क्या लग रहा है मामला सॉर्ट आउट होगा?
वो तो जाना चाहिए, खुशखबरी मिलने वाला क्योंकि बहुत सारे शिक्षक उपलब्ध हो गए। हाँ, तीन दिन से तो लगे हुए हैं। और कुछ लड़के से बात करना चाहते हैं? इनिशियल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा बहुत गर्मा गर्मी है, पर अभी और कुछ बच्चे से बात करते हैं और उसके बाद जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या। भाई जी बताइए कि आप कितने दूर से कहाँ से आए? हम चंपारण से आए भैया। चंपारण से आए, क्या लग रहा है शाम तक तो खुशखबरी मिल जाएगा? मिलना ही चाहिए। कितने दिन से आप आए हुए हैं? 24 तारीख। तीन दिन से यहीं पे बैठे हैं, यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं। यहीं सोते हैं, यहीं खाते, यहीं रहते पीते हैं। यहीं रहते हैं, तीन दिन से यहीं हैं। तो क्या लग रहा है कि आज अमित से, रहमान से, सभी शिक्षक लोग उपस्थित हो चुके हैं और लग रहा है कि आज मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? होना चाहिए, नहीं हुआ तो जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं, रात के 2 या 3 बजे पर यहीं पर रहिएगा। हम यहीं रहते हैं 24 घंटा यहीं। क्या लग रहा है, सीएसबीसी ऑफिस भी जाने का प्लान है आप लोगों का? देखिए अभी तो सर लोग गए थे और आगे क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग तो तीन दिन से यहाँ पे टेढ़ा गाड़े हुए हैं, अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई के लिए लगे रहेंगे जब तक सीएसबीसी हम लोग की मांगों को पूरा नहीं करता है। अगर वो करेंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस ले लेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसके बाद से उसको जो करना है वो अपना करे, फॉर्म के समय ही ले ले। उस समय किसी भी बच्चे को जानकारी नहीं था कि फॉर्म के पहले होना चाहिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस, इसलिए बच्चे परेशान है। अब इसके बाद से दिक्कत नहीं होगा, अब भी जो है करेंट ले ले, सब बच्चे को कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखिए शाम तक क्या होता है। अभी और कुछ बच्चे से बात करने का प्रयास करते, उसके बाद जानते हैं कि आखिर क्या हुआ सीएसबीसी ऑफिस में। हम अभी खुशबू पाठक से भी बात करना चाहेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ है। फिजिकल के टीचर यहाँ पर उपस्थित है। सर आपसे हमारा यही सवाल लगा, शाम तक तो खुशखबरी मिल रही है सर? खुशखबरी आज नहीं, आज तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी परमिशन लिया जा रहा है, तो परमिशन जैसे ही मिल जाएगा तो खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। क्या सर इनिशियल ईडब्ल्यूएस का जो प्रॉब्लम है बच्चे के, सर मतलब कि 3 दिन हो गया सर, इससे इन लोगों का फिजिकल का भी छूट रहा है सर, तो क्या फिजिकल अगर जो नहीं होगा सर तो बच्चे का रिजल्ट कैसे होगा? काफी प्रभावित है फिजिकल, इसके लेके बच्चे फिजिकल नहीं करे, काफी टेंशन में है, तो जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए और इसके लिए हम लोग यहाँ पर है, बच्चे भी यहाँ पे है। और कुछ अब सर आप बताइए कि मतलब कि कुछ देर पहले बच्चे गए थे सीएसबीसी ऑफिस, आखिर हुआ क्या उसको? सर उसके बाद हम तो सुनने में जहाँ तक आया कि सभी बच्चों से सिग्नेचर करा के आप लोग एक पेज वाइज पेज लेकर आइए, उसके बाद यहाँ अपना मांग रखिए। मांग रखने का क्रम ये होगा कि जो भी बात होगा सही शांतिपूर्वक रखा जाएगा, तक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में होगा। और हम यही चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबका काम हो जाए, क्योंकि बहुत हताश हैं, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे जबरदस्ती रनिंग करा लेंगे जब बच्चा ही पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए हम उनके नकारात्मक बातें आ गई। हाँ, बहुत नकारात्मक बातें आ गई हैं, लेकिन हम लोग किसी तरह को रोक के रखेंगे, बाबू देखो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं शांतिपूर्वक तरीका, तो सबका काम होगा। अभी और सभी शिक्षक उपस्थित है, उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर अमित सर है उपस्थित, इनसे भी कुछ बात। सर आ गए सर, बोल रहे थे क्या?